पीछे आप देख सकते हो कैची धाम है। हमारे पास यहाँ पे स्कूटी मिल जाती है बहुत सारी, ठीक है। शायद वहाँ से रिसीव हुआ, आप देखो। वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल अगेन। आई होप आप सब सही होंगे। तो आज मैं आई हूँ कैची धाम, उसका पूरा व्यू मैं आपको दिखाती हूँ 360 डिग्री पे। तो यहाँ पे आप बहुत ही आसान तरीके से आ सकते हो। मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वीडियो पे बने रहना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। तो चलते हैं आगे। तो मैंने ली थी ये ट्रेन जिसका नाम है रानीखेत एक्सप्रेस, और ये मैंने बोर्ड करी थी दिल्ली से रात के 8:30 बजे, और इसने मुझे अभी सुबह के 4:30 बजे उतारा है हल्द्वानी के स्टेशन पे। सुबह के 4:30 बज गए और हल्द्वानी स्टेशन पर उतरने के बाद अब मैंने सोचा कि सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी एक एसी लॉन्च, जहाँ पे आप 1 घंटे के लिए 10 रुपये पे करें, यहाँ पे आप वॉशरूम भी जा सकते हो, नहा भी सकते हो, और मस्त फ्रेशन अप होकर यहाँ से आप बस लेकर आगे जा सकते हो। चलिए मैं आपको यहाँ का वॉशरूम वगैरह सब दिखा देती हूँ, ताकि आप भी थोड़ा सा सेटअप हो कि क्या कैसा कुछ आपको यहाँ पर अंदर देखने को मिलेगा। तो अंदर जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको एक सही सा वॉशरूम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बगल में आपको एक बाथरूम देखने मिल जाएगा जहाँ पे आप आराम से नहा सकते हो। और सुबह के 4:30 बज रहे हैं, तो मैंने यहीं पे फ्रेशन अप हुई, बात बात करके मैं एकदम रेडी हो गई निकलने के लिए। मैंने आपको क्लॉक रूम को दिखाया था, तो क्लॉक रूम से निकलने के बाद अब हम यहाँ से, मतलब मैंने एक ऑटो उठाया क्योंकि मुझे ₹10 चार्ज कर रहा है, और ये हमें छोड़ेगा हल्द्वानी का बस स्टैंड, वहाँ जाएंगे और वहाँ से डायरेक्ट कैची धाम के लिए बस लेने वाले हैं। चलिए वहाँ का तो मैं आपको दिखा दूँगी। आई होप क्लॉक रूम आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद आई थिंक सिर्फ 10 या 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में आपको ये मिल जाता है, मतलब जितने बस खड़े हैं ना बस स्टैंड, ये आपको दिख जाते हैं। बट मुझे पता नहीं था, तो मैंने एक वो रिक्शा कर लिया था जो कि आपने देखा, तो उसने मुझे ₹10 चार्ज करा और उसने मुझे यहाँ उतार दिया है। अब यहाँ पर आप किसी भी बस वाले से पूछ लो कि नीम करोली बाबा के लिए बस कौन सी जाएगी, वो आपको बता देंगे। तो ये वाली बस थी जिससे मैं गई हूँ, और ये प्रॉपर बस मतलब सही थी, चार्जेस भी ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके टिकट चार्जेस मैं आपको आगे बताऊँगी। भैया ने हमारी टिकट काटी, और टिकट एक पर्सन के लिए ₹110 था, क्योंकि हम 2 लोग थे तो हमने ₹220 पे करा। आगे मैं आपको टिकट शो कर दूंगी। इनकी टिकट थोड़ी सी यहाँ पे ऐसी आती है, आप देख लो ₹220 लिखे हैं, तो ये 2% के चार्जेस हैं, यानी 110 1% का है। ये ब्यूटीफुल नज़ारों का लुफ्त उठाते उठाते 7:30 बजे तक हम कैची धाम के पास पहुंच चुके थे, और आपको ऊपर से दिख रहा होगा कैची धाम दिख रहा है पूरा नीचे प्रॉपरली, और ये नज़ारा देखकर दिल को बहुत सुकून लगा और लगा कि अब तो पहुंच गए हैं और अब तो जाना है और मिलना है। बस आपको प्रॉपर कैची धाम से थोड़ी ही दूर, मतलब आप ये मान लो कि 5 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे उतारती है, और वहाँ से आप आराम से उतर कर जाकर दर्शन कर सकते हैं। और आप ये रोड पर भीड़ देख सकते हो, यहाँ पे रोड पर हमेशा ही ये भीड़ बनी रहती है। आप मेरे पीछे कैची धाम देख सकते हो, और अभी जस्ट बस ने हमें उतारा है, और अभी उतर के भी हम जा रहे हैं लाइन में लगने, क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगती है, उसके बाद आप अंदर की ओर जाते हो। चलिए मैं अंदर का आपको सारा व्यू आउट कराऊँगी, आप बस जुड़े रहिए। यहाँ पे नो पार्किंग जोन लगा हुआ है, तो प्लीज़ यहाँ पे गाड़ी ना लगाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश क्रिएट हो जाता है यहाँ पे गाड़ी लगने के बाद। यहाँ पे मैं पार्किंग स्टेशन भी आपको दिखा दूँगी जहाँ पे आप पार्किंग कर सकते हो, वो पेड पार्किंग होती है, और उसके सारे चार्जेस मैं आपको वीडियो के आगे बता दूँगी और दिखा भी दूँगी ये है कहाँ पर। मंदिर जाने से पहले आपको ये कैची धाम शू स्टैंड मिलेगा, जो कि फ्री सर्विस होती है। यहाँ पे मैंने अपना बैग भी रख दिया था, और मैंने अपने शूज़ भी यहीं उतार के रख दिए थे, और मैं सच बता रही हूँ वापस जब मैं आई थी ना, तो सब कुछ वैसे का वैसे सेफली मिला था मुझे। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे, और कुछ रेट ज़्यादा नहीं है, मतलब 50-50, 100-100 रुपीज़ में आपको ये छोटे छोटे आर्टिकल्स ले सकते हो आप। और यहाँ पर आपको नीम करोली बाबा की बहुत सारी तस्वीर भी देखने को मिलती है। अब ले लेते हैं प्रसाद, तो प्रसाद में मैंने केले लिए, क्योंकि
बंदरों का फेवरेट है तो ये तो मुझे दान करना था, तो ये मैंने लिया। और ये जो प्रसाद आप देख रहे हो ये ₹100 का एक बॉक्स है। प्रसाद लेकर मैं पहुंच के मुख्य द्वार पे जो कि नीम करोली बाबा का है, और यहाँ से अंदर के जो नज़ारे थे ना सच में, और यहाँ का जो ऑरा है बहुत ही ज़्यादा क्लेंज्ड और बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है। आपको सच में बहुत ज़्यादा अच्छा फील होने वाला है यहाँ आने के बाद। अभी तक तो मैं अंदर भी नहीं गई हूँ, और यहाँ पे आप देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है लोगों की, और कितनी ज़्यादा कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है सच में। एंट्री करने के बाद हम अभी दूसरे प्रमुख द्वार की तरफ जा रहे हैं जहाँ से मंदिर की शुरुआत होती है। और इस मंदिर में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो प्लीज़ ये ट्राई ना करें। और चलिए करते हैं नीम करोली बाबा के दर्शन, और सच में यहाँ पे आप अपने परिवार के साथ आइए, आपको बहुत अच्छा महसूस होने वाला है। ये प्रसाद वहाँ से रिसीव हुआ, आप देखो और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। और अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं, और ये प्रसाद लेके तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पार्किंग सुविधा आपको यहाँ पड़ सकते हो, कार 150 रुपीज़ और बाइक 50 रुपीज़ में आपकी पार्किंग लगती है। अगर आपकी बड़ी गाड़ी है जैसे कि SUV तो फिर उसके रेट अलग होते हैं, आपको वो 150 रुपीज़ में आप अंदर जाकर कार पार्क कर सकते हो। और पार्किंग आपकी ऐसी होती है यहाँ पे, मतलब ये आपकी गाड़ियाँ आप खड़ी कर दो और आराम से आप यहाँ पे सेफली अपनी गाड़ी खड़ी करके जा सकते हो। सुबह सुबह पूजा करने के बाद लग गई भूख, तो मैंने सोचा कहाँ पे जाऊँ खाने के लिए। यहाँ पे आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट आपको देखने को मिलेंगे। एक बार मैं कैमरा घुमा के आपको दिखा देती हूँ, आप देखो कितने सारे रेस्टोरेंट हैं, आप कहीं भी खा सकते हो। तो चलिए कुछ खाते हैं। रेस्टोरेंट में आई हूँ, वहाँ पे बाहर का मैं आपको दिखा दूँगी कहाँ पे आई हूँ। और वहाँ पे मैंने एक आलू पराठा वो भी आया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। नाश्ता कंप्लीट करने के बाद मैं बाहर आई हूँ। बाहर धूप हो रही थी तो हमने सोचा स्कूटी रेंट कर लेते हैं, और ये नंबर यहाँ पे अवेलेबल था, पर मैंने सोचा कि चलो भैया से बात भी कर लेंगे और आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे रेट्स क्या क्या हैं। और ये जो इनकी शॉप है ना, ये जस्ट 10 कदम पे है नीम करोली बाबा जी के मंदिर से, तो आप यहाँ से स्कूटी ऑप्ट करके कहीं भी घूमने को नैनीताल में जा सकते हैं पूरे दिन। हमारे पास यहाँ पे स्कूटी मिल जाती है बहुत सारी, ठीक है। हम स्कूटी देते हैं और 7 लोगों की दुकान भी है, ठीक है। स्कूटी का हमारा रेंट है 12 घंटे का, आपको 700 पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप 24 घंटे ले आते हैं तो 800 पड़ेगा। अच्छा, ये तो स्कूटी से हमारे पास बहुत सारी है, बाइक भी मिल जाती है और इन फील्ड वगैरह और बाकी जो बाइक लेते हैं सब टैक्सी कर देते हैं, सब चीज की अरेंज कर देते हैं। अच्छा, बाकी दुकान की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सी वैरायटीज पड़ी है, ठीक है। ये पहाड़ी सिलपट्टे में पैसा नमक मिल जाएगा आपको, अच्छा, अचार मिल जाएंगे, सब लोकल ब्रांड है वहाँ का, यही पर मैन्युफैक्चर करते हैं। टी मिल जाएगी जो आपको टी गार्डन दिखाते हैं, श्याम खेत टी गार्डन, श्याम खेत फर्स्ट प्राइमरी है, फिल्टर नहीं हुई है, बहुत बेस्ट चाय है। अच्छा, यहाँ की चाय मिल जाएगी, ये ब्रांच टी है जो हेल्थ सबसे बड़े चीज है, और भी चीजें बहुत सी है, ये सब लोकल ब्रांड है। अच्छा, जो आप यही मैन्युफैक्चर करते हो और यही बेचते हो, ओके। मंदिर के सामने ये हमारे दुकान है, हाँ बहुत सामने है। यहाँ के ओरा को फील करके सच में समझ आया कि यहाँ पे स्टीव जॉब्स और बड़े बड़े लोग क्यों आते हैं। यहाँ पे आपका ओरा सच में बहुत ज़्यादा क्लेंज होता है, आप प्लीज़ यहाँ पे आएँ और एक बार विजिट करें। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, अगर वीडियो थोड़ी सी भी लाइक करते हुए जाना और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, और जाते जाते वो बेल बटन भी दबा देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, हर हर महादेव।